आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया हो, बल्कि इससे पहले सरकार ने 15 जून को 57 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था और इसके बाद 47 पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं चाइनीज ऐप्स को भारत में तीसरी बार बड़ा झटका लगा है। सरकार ने केवल मोबाइल ऐप्स ही नहीं बल्कि इंटरनेट ऐप्स को भी बैन किया है। सरकार द्वारा पबजी गेम पर बैन करने के फैसले को लेकर बच्चों के माता पिता काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ओर से लगातार पबजी गेम खेली जा रही थी। लेकिन अब बच्चों के माता पिता ने राहत की सांस ली है। इसके बारे में बात करते हुए बच्चों ने कहा कि इस गेम के बंद होने का उन्हें थोड़ा मलाल तो है, लेकिन अच्छा हुआ सरकार ने यह गेम बंद कर दी। इससे हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब हम अपने काम पर ध्यान देंगे। जब बच्चों के अभिभावकों के साथ बात की गई तो उन्होंने सरकार के इस फैसले की सराहना की और कहा कि सरकार को यह फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। अब पबजी बंद होने के कारण बच्चे पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ध्यान दे सकेंगे। यही है कि अच्छा किया सरकार ने, अभी मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। पहले सारे स्टूडेंट्स, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो सारे स्टूडेंट्स क्लासेस छोड़ के पबजी में घुसे पड़े हैं। मतलब अभी बहुत ज़्यादा इसका मतलब बैड इफेक्ट्स भी पड़ रहे थे, मतलब सुसाइड एंड ऑल भी हो रहा है यहाँ पे पबजी की वजह से। पता नहीं क्या, मतलब लड़के तो वैसे ही पड़े हैं उसमें, घुसे पड़े हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा किया सरकार ने कि इसको बैन कर दिया, अभी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे यूथ है जो हमारा। पबजी बैन तो ये अच्छा था, मैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन पबजी कह रहा हम अपनी स्टडी में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। पेरेंट्स से भी डांट पड़ती थी क्यों इतनी पबजी खेल रहे हो, ना बाहर ज़्यादा खेलने जाते थे, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते थे। चलो बैन हो गया, उसके कारण हम अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाएंगे अच्छे से, और पेरेंट्स से डांट भी नहीं पड़ेगी। सर, ये जो पबजी सरकार ने जो इसको बैन किया है, ये बहुत ही अच्छा उपराला किया इन्होंने। जैसे कि ये आज से कुछ साल पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि कई मासूम बच्चों की जिंदगियां जो है वो अपनी दांव पे लगा चुके हैं, कई जिंदगियां तो ख़त्म ही हो गई हैं। तो ये सरकार ने, चलो देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा फैसला लिया। ऐसे जो कई ऐसे चीज़ें जो चाइनीज चीज़ें जो कई है जो बंद ही करनी चाहिए, और पबजी बंद करके बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया सरकार। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट। We'll be right back.